नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहा था, आज उसका सर्किट ओपन हुआ है। तो दोस्तों, ये रिलायंस ग्रुप का शेयर है और इसमें कहीं एक तरह से आग लगी हुई है, ये लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहा। तो अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट में है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जो कि काफ़ी लो वैल्यूएशन पर, काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा था, लेकिन अब वो स्टॉक्स जो है काफ़ी तेज मोमेंटम दिखा रहा है। वैसे में ही एक और स्टॉक्स है जो कि रिलायंस ग्रुप से है, आज हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो शेयर है हमारा नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। हाँ दोस्तों, यह रिलायंस ग्रुप का शेयर है और ये शेयर देख सकते हैं आज भी 3% का इसमें मोमेंटम देखने मिला है और उससे पहले ये लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहा था। यहाँ से देख सकते हैं लगातार 5 डेज में इसका रिटर्न देखिएगा, तो 5 डेज में देख सकते हैं 31% का रिटर्न। 31% का रिटर्न आप कई सालों तक स्टॉक को होल्ड करते हैं, साल दो साल तब मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहा है और यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक मंथ में कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है, 76% का रिटर्न। तो समझ सकते हैं 6 मंथ में देखते हैं तो ये अपना लो बनाया, देखते हैं 15.45 रुपीज़ का, वहाँ से ये 167% का मूवमेंट दिखा चुका है। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक में अगर गिरावट में मिलता है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये रिलायंस ग्रुप का स्टॉक्स है और रिलायंस ने जब से इसे एक्यूपाई किया है, मतलब जब से रिलायंस इसे ओवरटेक किया है, तब से इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, क्योंकि ये कंपनी पहले लॉस अपना दिखाती थी, अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो चलिए हम इसके बैलेंस शीट को भी आपको दिखाएंगे, कैसे कंपनियां का जो सेल्स है, फाइनेंशियल है, उसको भी दिखाएंगे, कैसे कंपनियां प्रॉफिट मेक कर रही अब, जिसके कारण इस पे आपको मोमेंटम देखने मिल रहा है। देख लीजिए ईयर डेट में इसका रिटर्न, उसके बाद 1 ईयर का चार्ट, वहीं 5 ईयर्स का चार्ट देख लीजिए। 5 ईयर्स में देख सकते हैं पहले भी एक स्टॉक्स जो है हमारा 50 रुपीज़ से एबव का हुआ करता था। मैक्सिमम ईयर की बात करें तो कभी ये स्टॉक्स देख सकते हैं 400 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी ये स्टॉक्स मात्र आपको 40 रुपीज़ में मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन शेयर है और कितने लो वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा था। अब हम इसके बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं और इसके फाइनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स है और जो इसके बिजनेस है वही हमें बताएगा कि इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। नेटवर्क 18 मीडिया जो है हमारा एक पैरेंट कंपनी है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके कई सब्सिडियरी कंपनियां भी है। तो इसका सेल्स देख लीजिए 1,464 करोड़ रहा है मार्च 2020 में, और यहां से इसका इनकम देख लीजिए तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 94 करोड़ है मार्च क्वार्टर का, सेम मार्च क्वार्टर 19 से कंपेयर करेंगे तो यहां पर लॉस पेश किया था 58 करोड़ का कंपनी। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट में फॉल आया है, लेकिन यह कंपनी तभी से प्रॉफिट कर रही है जब से रिलायंस से ओवरटेक किया है। देख सकते हैं पहले कंपनियां लगातार लॉस पेश कर रही थी, अब ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा चेंज आया है तो प्राइस में भी चेंज आनी चाहिए और वही हो रहा है, प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। उसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा देते हैं कंपनी का, बैलेंस शीट पे मतलब कितना डेप्ट है कंपनी के पास, कितना लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शेयर कैपिटल है वो 523 करोड़ है और ये मार्च 20 क्वार्टर का है, सब चीज़ अपडेटेड। रिजर्व कंपनी के पास 651 करोड़ है, रिजर्व कम हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी कम हुआ है। उसके बाद लोन जो है कंपनी के पास 2,218 करोड़ है, यही कंपनी के पास डेप्ट है भी है, तो कंपनी के पास 2,000 करोड़ का डेप्ट है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास 1.96 करोड़ का है, तो कंपनी के पास डेप्ट काफ़ी कम है, अति कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास काफ़ी कम है। लोन और एडवांसेस देखते हैं 112 करोड़ है, और डेप्ट तो कंपनी के पास देखेंगे जो लोन के रूप में है। नेट करेंट एसेट देखिएगा तो नेट करेंट एसेट यहां पर देखते हैं बुक, नेट करेंट एसेट जो है निगेटिव में है 187,
बुक वैल्यू देखते हैं तो कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं काफ़ी कम हुआ है, लेकिन कंपनियां जो है पहले लॉस करती थी, अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां बन चुकी है, तो ये फ़ायदा हुआ है। और यहां पर कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं जीरो हो चुका है, तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं कंपनी में। तो ये कंपनी जो है आपको किस वैल्यूएशन पर मिल रहा है, आप इसका वैल्यूएशन तय कीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना कि ये स्टॉक्स जो है लगातार अभी अपर सर्किट हीट कर रहा है। ऐसे भी जानते हैं कि रिलायंस अपना पूरा डेप्ट कम करने में लगा हुआ है और नेटवर्क 18 का जो इसका हाउसिंग कंपनी है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो है रिलायंस। तो समझ सकते हैं इस तरह से रिलायंस जैसे जैसे मूवमेंट दिखा रहा है वैसे वैसे इसके सारे जो रिलायंस जिस कंपनी को ऑक्यूपाई करती है सारे कंपनियों में मूवमेंटम देखने मिला है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर, यहाँ पर आप आसानी से कंपनी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वन डे में देख सकते हैं 2.24% का रिटर्न दिखा रहा है, वन वीक में आप देखते हैं 21.73% का रिटर्न, वन मंथ में देखते हैं 57.36% का रिटर्न, वन ईयर में भी 48.05% का रिटर्न देख सकते हैं। कहाँ उस सारी कंपनियां जो है 50% करेक्शन पे मिल रही है। फाइव ईयर्स में देखेगा तो कंपनी -27.96% का रिटर्न दे रही है, क्योंकि कंपनी पहले जो रिलायंस की ये नहीं थी, रिलायंस से ओवरटेक किया है, तो तब से ये कंपनियाँ धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां बन चुकी हैं। तो देख सकते हैं कि मैक्सिमम ने बात करते हैं 89% के करेक्शन में मिल रहा है, मतलब ये स्टॉक आपको बहुत ही लो वैल्यूएशन पे मिल रहा था। तो अब आपको इसमें जज करना है आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, कंपनी का जो कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 0% ऑफ कंपनीज हेल्ड शेयर इज प्लेस्ड, वहाँ पर देख सकते हैं 75% मतलब 74.99% मतलब 75% जो सेबी का रूल है उतना शेयर हेल्ड करता है प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड 1.27%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 1.29%, FII देख सकते हैं 3.14%, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है FII इतना परसेंट है, और जो अदर्स हम छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 20.56% होल्डिंग। तो ये था कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर टिकर टेप के वेबसाइट पे कंपनी के जो सारे न्यूज़ अभी क्या है कंपनी में वो भी देख सकते हैं। द रिलायंस आउंड देख सकते हैं, फर्म रिलीज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 60% इन ए मंथ, तो देख सकते हैं। निफ्टी मीडिया स्टॉक गेन 1%, नेटवर्क 18 गेन 5%। तो यहाँ पर सारे न्यूज़ भी देख सकते हैं, प्राइस फोरकास्ट अगर आप इसका पेड वर्सन लेते हैं तो ये प्राइस फोरकास्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इसमें लोअर साइड का मोमेंटम हो सकता है, कितना अपर साइड का मोमेंटम हो सकता है। तो ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।